अनुच्छेद नंबर 12 में, अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, जिसके अंतर्गत हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है मित्र। और अनुच्छेद नंबर 13 में को कई चारों क्लाजों में मुख्य रूप से बांटा गया है। अनुच्छेद नंबर 13 के उप क्लाज के वन वाले भाग में ये कहता है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है और फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट और संसद के द्वारा बनाए गए कानून में प्राथमिकता देने की बात की जाएगी, तो अनुच्छेद नंबर 13 वन ये कहता है कि हमेशा जो प्राथमिकता मिलेगी वह फंडामेंटल राइट को मिलेगी। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 13 दो में ये बताया गया, अगर संसद किस तरीके से कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के कानून को अवैध करार कर सकती है। क्लियर। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 13 में विधि के परिभाषा के बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल नंबर 13(3) में विधि क्या होता है। विधि का मतलब ये होता है कि जो संसद के द्वारा विधेयक के माध्यम से जो विधि बनाई जाए उसे विधि कहेंगे, विधानमंडल के द्वारा जो विधि बनाई जाएगी उसे विधि कहेंगे, इसके अलावा विधि हम उसे भी कहेंगे यानी कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को संगठित बनाए रखने का कार्य करती है, हम उसे भी विधि कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से वह संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो, उसे हम विधि कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 13(4) में यह प्रावधान किया गया कि संसद कानून बनाने के संदर्भ में यदि किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का हनन करती है तो कर सकती है, बट ये है कि किसी भी तरीके से संविधान भूत के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा अनुच्छेद नंबर 13(4) में कहा गया है कि संसद जो है वह कानून बना सकती है, लेकिन संसद के कानून बनाने के संदर्भ में उसको आधारभूत ढांचों का उल्लंघन करना होगा, आधारभूत ढांचा का ख्याल करना होगा कि किसी भी तरीके से संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना होगा संसद को, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय कहती है। ऐसे स्थिति में वो किसी भी चाहे तो मूल अधिकार के भागों में परिवर्तन कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय उसको तब तक अवैध करार नहीं देगा जब तक संसद के द्वारा बनाए गए विधि के माध्यम से संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 13 के चार उप क्लाजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है मित्र। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं मूल अधिकार का पहला भाग। मूल अधिकार का पहला भाग जो होता है समता का अधिकार होता है और समता के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर अनुच्छेद नंबर 18 में बांटा गया। अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समय समान समता, विधि के समय समान संरक्षण की बात की गई है। इसके माध्यम से ये बताया गया है समता में कि कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा, कोई ऊँच और नीच नहीं होता है, कानून की नज़र में सभी एक समान होते हैं, कानून किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है, किसी के साथ जातती नहीं कर सकता है, कानून की निगाह में सब एक नज़र में सब एक समान है, ये है समता का अधिकार। समान संरक्षण का अधिकार का मतलब ये है कि भारत का संविधान जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कुछ अवसर प्रदान करता है, यानी कि समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें। जैसे कि कुछ समान संरक्षण के संदर्भ में अगर हम बात कर लें मित्र, तो आप जानते हैं कि मैदानी भागों में सिपाहियों की वैकेंसी के लिए लंबाई ज़्यादा मानी जाती है, वहीं पहाड़ी भागों में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की भर्ती के लिए लंबाई कम मानी जाती है लेकिन उनका सीना चौड़ा माना जाता है। तो यानी कि सैनिक में भर्ती के लिए अलग अलग भौगोलिक वातावरण को ध्यान में रखने की बातें कही गई है, ये कहा जाता है विधि के समय समान संरक्षण का अधिकार कहा जाता है। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद नंबर है वह है 15। अनुच्छेद नंबर 15 के तहत ये कहा गया है कि राज्य या कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के उसके मूल वंश, उसके धर्म, उसके जाति व उसके लिंग व जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 15(2) में ये भी कहा गया है कि इन्हीं सभी कारणों के वजह से कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, तालाब, कुआं या अन्य पार्क की जगह पे कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, स्कूलों में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 15(3) में ये कहा गया है कि महिलाओं का उत्थान किया जाए, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के संदर्भ में बातें कही गई हैं।
अनुच्छेद नंबर 15(3) में कही गई है और अनुच्छेद नंबर 15(4) में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनको आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, ये अनुच्छेद नंबर 15(4) में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद नंबर 15(5) में जो कहा गया है वो 93 संविधान संशोधन के तहत 2005 में जोड़ा गया था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को किसी भी विश्वविद्यालय या निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने दिए जाने का प्रावधान किया जाए। हाँ, लेकिन इसके संदर्भ में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े हुए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात नहीं की गई है। ये बात होगी अनुच्छेद नंबर 15 की। अनुच्छेद नंबर 16 का संबंध, अनुच्छेद नंबर 16 का संदर्भ है लोक नियोजन से। जी हाँ, लोक नियोजन, इसके माध्यम से भारतीयों के रोजगार देने के संदर्भ में बातें की गई हैं कि भारतवासियों के सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने आप को समाज के मुख्य धारा से जोड़ सके और समाज में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी हो सके, ऐसा अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 16 में ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने के संदर्भ में उसके मूल वंश, उसके धर्म, उसके जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास व उद्भव के स्थान पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 16(1) में भी कहा गया है। और अनुच्छेद नंबर 16 में ये भी कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसा विश्व प्रताप सिंह जिस समय प्रधानमंत्री थे उनके समय ऐसी बातें बोली गई थी आरक्षण के संदर्भ पे, और इसी अनुच्छेद नंबर 16 से 27% आरक्षण की भी बात कही गई है। तो कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो लोक नियोजन के संदर्भ में अगर हम बात करें, रोजगार दिलाने की बात की गई है जिसके अंतर्गत ढेर सारी ऐसी रोजगार संबंधी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की जा सकती है, जैसे आपने नरेगा और मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात किया गया, उन्मूलन की बात किया गया है, और यहाँ तक भी मित्र इसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद के उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद नंबर 18 में अंतिम जो आता है समता के अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है, वो उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है क्योंकि उपाधियाँ एक सम्मान सूचक वर्ग के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर एक दैत्य का भावना उत्पन्न करता है जो अपने आप को सुप्रीमो और दूसरे व्यक्ति को गौड़ दिखलाता है, ऐसे स्थिति में उपाधियों के अंत करने की बात की गई है। पहले ये उपाधि देवराज, महाराजा, परम भट्टाका, महाराजा धीराज, देवपुत्र, देवराज जैसी उपाधियों को लोग धारण किया करते थे, इससे अपने आप की तुलना दैत्यत्व से करते थे, अपने आप को पैगंबर की उपाधियां, अपने आप को पैगंबर का प्रतिनिधित्व लोग बताते थे। तो ये सारी उपाधियां कहीं ना कहीं जनता को नीचा दिखाती थी और अपने आप को ऊपर यानी कि सुप्रीमो दिखाई देती। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इस तरीके की उपाधि राजा और महाराजा ले जाएगा तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन होगा क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सर्वोच्च माना गया है। सारे सिस्टम में जितने भी तंत्र हैं वो जनता के कार्यों के प्रति क्या है, अपने कार्यों के प्रति जनता के प्रति रिस्पांसिबिलिटी है। तो ऐसे स्थिति में हम देवराज जैसी उपाधियों को कैसे धारण कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ही सरकार मानी जाती है। हाँ, इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें इसके उल्लंघन किए जाने पर किसी भी तरीके का दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, यदि राष्ट्रपति का इस उपाधियों के संदर्भ में यदि आदेश की बात की जाती है, ऐसे स्थिति में कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो उसको दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। हाँ, पुरस्कार जैसे संबंध, खेल से संबंधी जैसे और सैन्य विद्या जैसे संबंधी में यदि पुरस्कार दिया जाता है तो इसको उपाधियां नहीं कही जाती है बल्कि इसको पुरस्कार कहा जाता है। तो ऐसे स्थितियों में हम पुरस्कार को उपाधियों से नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मूल अधिकार का अगला भाग है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मित्र जो है ये मूल अधिकार का दूसरा भाग है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। अनुच्छेद नंबर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने भूमिकाओं का निर्वहन वहाँ तक ही करना चाहिए जहाँ तक दूसरे की भूमिकाओं का उल्लंघन न हो, यानी कि आपकी आज़ादी किसी दूसरे की आज़ादी को न छीने वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 को मूल संविधान में 7 उपकलाजों में बांटा गया था किंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए अब अनुच्छेद नंबर 19 में अगर हम बात करें तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। आइए हम एक एक करके उन 6 उपकलाजों के बारे में देखते हैं।
अनुच्छेद नंबर 19 वन में कहा गया है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 2 में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 3 में कहा गया है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 4 में कहा गया है आने जाने की स्वतंत्रता या भ्रमण करने की स्वतंत्रता के बारे में बातें कही गई है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 5 में, तो अनुच्छेद नंबर 5 में ये कहा गया है कि निवास करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अनुच्छेद नंबर 6 में तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी जिसको आगे चलकर समाप्त कर दिया गया था 1978 में। लास्ट में जो है अनुच्छेद नंबर जी या 7 में अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी निवास स्थान बनाकर रहने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हालांकि जब तक जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद नंबर 370 को समाप्त नहीं किया गया था तो दो अनुच्छेद ऐसे थे अनुच्छेद नंबर 19 के कि जिसको जम्मू कश्मीर में नहीं लागू किया जा सकता था। जैसे वहाँ आप बिना वहाँ की गवर्नमेंट से इजाज़त लिए आप ज़मीन खरीद करके निवास नहीं कर सकते थे, और दूसरा आप वहाँ अपना कोई व्यवसाय नहीं कर सकते थे। किंतु अब दोहरी नागरिकता वहाँ की समाप्त हो गई है तो आप ये दोनों कार्य जाकर जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद नंबर 19 को देख लिया। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधियों के विरुद्ध के संरक्षण के संदर्भ में बात करता है। अपराधियों के संरक्षण में अनुच्छेद नंबर 20 के 3 उपक्लाजों में बांटा गया, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी होने के साथ है उसके अपराधी जैसा व्यवहार न करके मानवता के भी जैसा व्यवहार करना चाहिए। अपराधियों के विरुद्ध में संरक्षण के संदर्भ में ये कहा गया है कि किसी एक अपराधी व्यक्ति को उससे अनुरूप दंड दिया जाना चाहिए जो प्रेजेंट टाइम में कानूनी तरीके से लागू होता है। जैसे आज के संदर्भ में अगर हम कोई अपराध करते हैं तो आज के संदर्भ में अगर मान लेते हैं कि कलम चोरी करने की सज़ा अगर 5 महीने है, ऐसा इस समय प्रेजेंट टाइम में कानून है, और आगे कलम चोरी करने की सज़ा 2 महीने के बाद 10 महीने हो जाती है, तो मुझे 10 महीने सज़ा नहीं होनी चाहिए, हमको 5 ही महीने सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपराध उस समय इस तरीके से किया था जब इस तरीके की सज़ा का प्रावधान है। यानी कि कानून परिवर्तन होने के साथ सज़ा का परिवर्तन नहीं किया जाएगा इस अपराधी के संदर्भ में। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा है दोहरे दंड से बचाव। दोहरे दंड से बचाव का मतलब एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को केवल एक ही बार ही सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर पर्टिकुलर हम एक कलम को चुराए हैं तो केवल अगर एक कलम में चुराया हो उसकी सज़ा मुझे एक बार मिल गई है तो दोबारा उसी कलम के चुराने के बदले मुझे दोबारा सज़ा मिले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी सज़ा मैंने भुगत लिए हैं, तो ऐसी सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि दोहरे दंड से बचाव होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 22 का तीसरा उपक्लाज है कि स्वयं के गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो गवाह और साक्ष को इकट्ठा करे और उस प्रमाणों के आधार पर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, न कि कोई साक्ष्य न ढूंढ पाने की वजह से उसके ऊपर एक तरीके से भारी मात्रा में डांडी कार्रवाई करे जो संविधान से तर्कसंगत न हो। ऐसे स्थिति में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको मजबूर न किया जाए कि साक्ष्य न मिले हैं और वो अपराधी अपराध उस तरीके का न किया हो और उसको किसी तरीके से भय या मारपीट कर उसको कबूलवाया जाए कि कबूल करो कि तुम ही ये चोरी की हो, ऐसा नहीं है। आप स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 21 आता है। अनुच्छेद नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातें की गई हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21 है, यानी कि व्यक्ति हर व्यक्ति का ये दायित्व होता है कि वह गरिमामय के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ये एक व्यक्ति का अधिकार होता है कि हम मानव हैं और एक मानव होने के नाते हम सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसा हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुच्छेद नंबर 21 का फंडामेंटल राइट में एक अपनी अलग भूमिका, एक अपना अलग महत्व है जो मूल अधिकार के सारे अनुच्छेदों को कहीं ना कहीं अपने तरीके से केंद्रीकृत करता है। क्यों? कारण यही है कि सारा जो फंडामेंटल राइट में उद्देश्य बताया गया है वो वास्तव में व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के ही बारे में बताया गया है। और ये व्यक्ति तभी जी सकता है जब उसके पास अपना भोजन हो, आवास हो, कपड़ा हो यानी कि वस्त्र हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, त
तभी तो अपने आप को समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकता है। तो इसका मतलब ये केंद्र है जिसके लिए ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल राइट अनुच्छेद नंबर 21 का में ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या की जानी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। ये 86वें संविधान संशोधन के तहत बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे और बढ़ते हैं तो अगला आर्टिकल जो आता है या अनुच्छेद जो आता है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 22 आता है। अनुच्छेद नंबर अगर हम 22 में बात करें मित्र, तो अनुच्छेद नंबर 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध के संरक्षण के संदर्भ में बात किया गया है। गिरफ्तारी संदर्भ के में 3 उपक्लाजों में बांटा गया है। यदि कोई पुलिस वाला यदि आपको गिरफ्तार करना चाहता है तो उसके संदर्भ में आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं जरा वो जान लीजिए। पहला, ये अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपके अपनी गिरफ्तारी के कारण पूछने का पूरा अधिकार है कि भाई साहब मेरी गलती क्या है, आप बताने का प्रयास करिए कि मेरा गुनाह क्या है कि जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को ये जानने का हक है कि मुझे कहाँ लेके जाया जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, आने जाने के बीच का समय को छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस व्यक्ति को पूरा ये अधिकार बनता है कि वो अपने बचाव के लिए किसी कानूनी के जानकार से सलाह ले सकता है या अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है, ठीक है। ये एक गिरफ्तार व्यक्ति के संदर्भ में बातें कही गई। फंडामेंटल राइट के अधिकार का जो अगला अनुच्छेद आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की अगर हम संदर्भ में बात कर लें मित्र, तो इसमें 2 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, एक 23 और एक जो अनुच्छेद आता है वो 24 आता है। अनुच्छेद नंबर 23 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस अनुच्छेद के माध्यम से 3 शब्दों को याद करना है। एक तो बलात्श्रम, बेगारी और मानव तस्करी। जी हाँ, ये शोषण के 3 वो शब्द हैं जिसका उन्मूलन कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत। कहने का मतलब है अगर इन तीनों को कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ दांडिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे बलात्श्रम का मतलब ये होता है कि किसी को बंधुआ मजदूर बनाकर कार्य न लिया जाए या किसी से जोर जबरदस्ती कार्य न लिया जाए। बेगारी का मतलब ये होता है कि कम से कम पैसे में अधिक से अधिक काम लेना नहीं चाहिए, यह बेगारी का मतलब होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कम पैसे देकर किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा काम लेता है जो अमानवीय रूप से जाना जाए, ये बेगारी कहलाता है। और दूसरी चीज़, मानव नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, मानव के पास अपना भी एक दिल होता है, वो भी सम्मान पाना चाहता है, ठीक है। तो उसको एक वस्तु के रूप में उसका व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए, ठीक है। अगला अनुच्छेद देख लेते हैं 24। 24 अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों में कार्य करने के लिए वर्जित किया गया है, यानी कि मना किया गया है। ऐसे स्थिति में अगर कोई बच्चा कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो सकता है। तो शायद यही कारण है कि अनुच्छेद नंबर 24 के तहत 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों में कारखानों में कार्य करने के लिए पाबंदी लगाई गई है। चूँकि बच्चा जो है वह भावी पीढ़ी है और मनुष्य है, चूँकि सारे संसाधनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन अगर कोई है तो वह मनुष्य है। अगर इतनी कीमती संसाधनों में व्यर्थ संसाधनों में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के अस्थायित्व विकास में एक समस्या खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में इस पर पाबंदी लगाया जाना लाजमी है। इसके बाद आते हैं मित्र, जो हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अगला मूल अधिकार का 4th भाग है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अगर बात कर लेते हैं तो ये अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 तक इसमें प्रावधान या उपबंध किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद नंबर 25 में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के अंतःकरण करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद नंबर 26 के तहत हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकता है और प्रबंधन भी कर सकता है, इसमें कोई भी रोक और छोट नहीं है, ठीक है। हालांकि अनुच्छेद नंबर 25 में प्रचार प्रसार की बात की गई, अनुच्छेद नंबर 26 में प्रबंधन की बात की गई। अनुच्छेद नंबर 27 की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद नंबर 27 में धर्म संबंधी किसी भी कर अदायगी की बात नहीं की गई, बल्कि हाँ शुल्क अदायगी करने की बात की गई। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और कर और शुल्क में अंतर होता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखने का।
अनुच्छेद नंबर 28 में कई चीज़ें बातें की गई हैं शिक्षा के संदर्भ में, यानी कि धार्मिक प्रचार प्रसार के संदर्भ में। अनुच्छेद नंबर 28 में ये कहा गया है कि किसी भी सरकारी संस्थानों में या निजी संस्थानों में विशेष धर्म को लेकर आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। यदि कोई धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए कॉलेज एवं संस्था की स्थापना करना चाहता है या धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो उसे भारत सरकार से परमिशन लेना ही होगा। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक विश्वविद्यालय, चाहे वो हिंदू विश्वविद्यालय हो चाहे अलीगढ़ का विश्वविद्यालय हो, अगर इनमें से कोई लोग अपने विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी बच्चे को एडमिशन लेते हैं और उसको धर्म को प्रचार प्रसार के लिए बढ़ावा देते हैं, उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ तक भी बताया गया है इसके लिए न केवल उस बच्चे की राय के बारे में जानना होगा बल्कि उसके घर के गार्जियन से जाकर भी परमिशन लेनी होगी, तभी ऐसे स्थिति में उस बच्चे को विशेष धर्म संबंधित शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की बात कही गई है। और ये भी अपने एक जगह लाजमी है क्योंकि संक्रमण की स्थिति न आने पाए ऐसे स्थिति में परिवार का समर्थन लेना आवश्यक होता है। ठीक है, आइए अब हम देखते लेते हैं अनुच्छेद नंबर या मूल अधिकार का अगला भाग जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है जिनको अपनी संस्कृति व शिक्षा बनाए रखने का क्या है, पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति एवं शिक्षा बनाए रखने का क्या है, पूरा अधिकार होता है। अनुच्छेद नंबर 29 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने भाषा व लिपि में अपने संस्कृति का प्रचार व प्रसार कर सकता है, प्रचार व प्रसार कर सकता है। इसके आधार पर उसके धर्म, उसके जाति, उसके लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी भाषा और अपनी भाषा में अपने लिपि में करने के लिए पूरा स्वतंत्र है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 30 में ये भी बताया गया है कि हर अल्पसंख्यक वर्ग का ये अधिकार है कि वह अपनी रुचि अनुसार शिक्षण संस्थान को भी स्थापित कर सकता है, शिक्षण संस्थान को भी स्थापित कर सकता है। हर अल्पसंख्यक वर्ग अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान को भी स्थापित कर सकता है, ये अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है। ठीक है, तो ये बातें होगी अल्पसंख्यक वर्गों के रूप में। देखिए मित्र, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है इसके बारे में तो संविधान में किसी भी तरीके से लिखित तो नहीं है या किसी अनुच्छेद में इसको परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन समानता अल्पसंख्यक वर्ग से आज से ये माना जाता है कि जिनकी आबादी पूरे भारत की आबादी से 50% कम हो उनको अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी धर्म के लोग एक तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के दायरे में आएंगे। अगला इम्पॉर्टेंट जो होता है अनुच्छेद नंबर 31 तो होता है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 31 संपत्ति का अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल मूल अधिकारों के भागों की संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति को अधिकार को जब 1978 में हटाया गया तो फंडामेंटल राइट के कुल 6 भाग बचते हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया जाए तो 6वां अगर बात आए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 32 आता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया। जी हाँ, संविधान की आत्मा इन्होंने बताया है फंडामेंटल राइट को, जबकि मूल अधिकार को संविधान का हृदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया हुआ था। क्लियर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अगर हम बात करें तो इसमें यही सीधे सीधे बात है कि अगर फंडामेंटल राइट के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है और उन उल्लंघित हुए अनुच्छेदों को आपको प्राप्त करना है तो इसके लिए आप अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जी हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसको क्रमशः 5 भागों में बांटा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। आइए एक एक करके हम क्रमशः इसको देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था के द्वारा आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है उसको सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। परमादेश का मतलब ये होता है कि कोई अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करता है, जिससे कि फंडामेंटल राइट पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ऐसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारियों को अपने दायित्वों को पालन करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि उस आदेश का उल्लंघन होगा तो उसके खिलाफ कोई ना कोई दंडनीय क्रिया चलेगी, यानी कि कानूनी प्रकार की क्रिया उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है।
ठीक है। इसके बाद प्रतिषेध का मतलब, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये अधीनस्थ न्यायालय के लिए लागू किया जाता है। प्रतिषेध का मतलब एक तरीके से ऐसे केस या ऐसे मुकदमे जो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ हो, तो ऐसे स्थिति में जो उच्चतम न्यायालय होता है उन पर रोक लगा सकता है और कह सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है, इसलिए आप इस पर कोई भी कार्रवाई ना कर सके। इसका मतलब प्रतिषेध मतलब रोकना हो गया, और उत्प्रेषण मतलब मंगवाना, यानी कि रोक कर अब उसको अपने तरीके से उस पर बहस करना, डिबेट करना और फैसला देना होता है, तो उसके लिए जो केसेस होते हैं उनको अपने के यहाँ मंगवा लेता है, तो ये कहलाता है उत्प्रेषण कहलाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से नौकरी पा गया है या रोजगार कर लिया है घूस पताई देकर, घूसखोरी से, रिश्वतखोरी से कोई अधिकारी कोई व्यक्ति नौकरी पा गया है, तो आम व्यक्ति का ये अधिकार बनता है कि वो किस तरीके से नौकरी पा गया है जबकि वो इस लायक नहीं था, तो उसके लिए कमेटी या जांच भी करवा सकता है। ये व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट बनता है कि वो उसी को मिलना चाहिए जो उसके काबिल हो, न कि उसको मिलना चाहिए जो धन बल बाहुबल इत्यादि के रूप में मजबूत हो, जो जिसके योग्य होना चाहिए उसको वही पद मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा, उल्लंघन होगा, और इसकी मांग ही एक तरीके से अधिकार परीक्षा कहलाती है। ठीक है मित्र, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निम्नलिखित रूप से 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद हम देते हैं आगे, अगर हम चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 33 ये कहता है कि जितने भी सैन्य मामले हैं फंडामेंटल राइट उस तरीके से उनके ऊपर फॉलो नहीं होता है जो नॉर्मल सिविल नागरिकों को के ऊपर लागू होता है, क्योंकि उनका कुछ रूल और रेगुलेशन अलग होता है। इसलिए अगर सैनिकों का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा अनुच्छेद नंबर 33 में कहा गया है, क्योंकि उनका रूल और रेगुलेशन अलग होता है। अनुच्छेद नंबर 34 में ये कहा गया है कि आम सिविल नागरिकों का ऐसा भूभाग जहाँ आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ हो रही, आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर ऐसे स्थिति में वहाँ के नागरिकों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तब भी वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह एक एरिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 35 में ये बताया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून बनाना हो, या तो फंडामेंटल राइट को समाप्त करना है या किसी नई चीज़ को जोड़ना है, तो ये सारा अधिकार संसद को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मित्र हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर, अब हम आते हैं संविधान का चौथा भाग देते हैं। संविधान का जो चौथा भाग है वो नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व संविधान का चौथा भाग है। नीति निदेशक तत्व से मतलब उन कर्तव्यों एवं उन दायित्वों से जिससे राज्य किसी भी देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, यानी कि नीति निदेशक तत्व तो राज्य के कर्तव्यों एवं पालन से है, जिससे कि राज्य का ये प्रथम दायित्व बनता है कि नीति निदेशक तत्व तो में बताए गए सारे कर्तव्यों को पालन करें जिससे कि देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किन अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई, वही राज्य की परिभाषा है जो अनुच्छेद नंबर 12 में है, लेकिन अगर आपके सामने अगर दो विकल्प आ जाएँ 36 और 12, तो प्राथमिकता हमेशा 12 को ही दीजिएगा। कारण ये कि नीति निदेशक तत्व तो क्या कोई भी भाग उल्लंघन हो जाए तो आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि नीति निदेशक न्यायालय में अपरिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार जो है वो परिवर्तनीय है, इसलिए आपकी सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो 12 को लेकर होनी चाहिए। 37 अनुच्छेद में यही कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 38 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्य का ये दायित्व है कि समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वह लोक कल्याणकारी कार्य करें, वह लोक कल्याणकारी कार्य करें। अनुच्छेद नंबर 39 को कई उपक्लाजों में बांटा गया है, जिसे अनुच्छेद नंबर 39 में ये कहा गया है कि राज्य का ये दायित्व है कि भौतिक संसाधन के स्वामित्व को या ध्रुवीकरण को रोकना चाहिए। ये एक राज्य का कर्तव्य बताया गया है, उस चीज़ को थोड़ा से आप ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में समझना चाहिए। क्लियर, तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 39(2) में अगर हम देख लेते हैं, तो 43(2) में अगर हम देखें मित्र, तो 43 सॉरी 39(2) में अगर हम देखें
तो 39(2) में भी धन संकेंद्रण की बात की गई है, उसमें भी धन संकेंद्रण की बात की गई है। कोई बड़ा पूंजीपति आदमी या कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चोरी ना कर पाए, यानी ब्लैक मनी के बढ़ावा न मिलने पाए, एक तरीके से ये अनुच्छेद नंबर 13(2) में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 39(c) में कहा गया है, 39(c) में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए, उनको रोजगार के लिए, उनके पोषाहार के लिए भी बात अनुच्छेद नंबर 39 में कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें 39 में थी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 40 में देखिए, अगर फ़ोन घंटी वंटी बजने लगती है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी मोबाइल में भी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसके वजह से कंटिन्यू चलता हुआ वीडियो बीच में रोकना पड़ जाता है, नहीं तो इतनी क्षमता मेरे पास है कि मैं इसी तरीके से ओरल मौखिक संविधान आपको मैं सुबह से लेकर शाम तक बोल सकता हूँ और बोल भी रहा हूँ, सुबह से चल रहा हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा मुझे परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है, तो आपको लोकेशन देखने से पता चल रहा होगा। इसके बाद हम देख ले रहे हैं अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायत के गठन की बात की गई, राज्य पंचायत गठन की बात की गई थी। तो मूल संविधान में पंचायत गठन की बात तो नीति निदेशक तत्व में की गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक रूप से जो मान्यता मिली थी ये 1992-93 में इसको मान्यता मिली गई थी, जिसको हम आगे संविधान के 9वें भाग में देखेंगे। ठीक है, तो नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायत व्यवस्था के गठन की बात कही गई थी, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 41 की बात कर लेते हैं मित्र, तो अनुच्छेद नंबर 41 में तीन शब्द याद करिएगा, काम, शिक्षा व लोक सहायता की बात की गई है, यानी कि नरेगा और मनरेगा जैसे विषयों की बातें यहाँ पे भी की गई है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें यहाँ पे भी की गई है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपाहिज हैं, जो वृद्ध हैं, जो असहाय या आश्रित वर्ग हैं, इनके लिए लोक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। जितने भी दिव्यांग लोग हैं इनके लिए कुछ न कुछ लोक सहायता देने की बातें हमारे अनुच्छेद नंबर 41 में की गई है। अनुच्छेद नंबर 42 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर महिलाओं की प्रसव की स्थिति में पोषाहार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो पोषाहार की व्यवस्था उपलब्ध कराना एक राज्य का दायित्व बन जाता है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि हमारे भारत में लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या से भी ऊपर ऐसी जनसंख्या जो 2 जून की रोटी तक सही तरीके से नहीं पा पाते हैं, ऐसे स्थिति में गर्भवती महिलाओं का दायित्व या उनकी सुरक्षा पर सवाल तो उठ ही जाता है कि उनको पोषाहार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। आइए मित्र अनुच्छेद नंबर 43 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद नंबर 43 में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जुड़ो उद्धार की बात की जाती है। देखिए मित्र, अगर ये जिस समय पंचायती व्यवस्था में ये सारी चीज़ें आई हुई थी, अगर ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को सदाबहार की तरह इसमें गुणवत्ता के साथ अगर बनाए रखा गया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना वायरस में 20 लाख करोड़ रुपए देने के वादे नहीं किए जाते, आत्मनिर्भर की बात नहीं की जा सकती, लोगों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके अपने ही घर में अपना ही रोज़गार मिलता तो उनकी आर्थिक समस्याएं किसी भी प्रकार से समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता और आत्मनिर्भरता की बात नहीं करनी पड़ती। तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाता। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन अब इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा से पता होना चाहिए इस बात को लेकर। ठीक है, अगर हमारे पास अपने ही उद्योग होते तो हम बाहर क्यों जाते। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 में अगर हम देखें तो समान सिविल की संहिता की बात की गई। निर्देशक तत्व में ये भी कहा गया है कि राज्य सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, यानी कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए वह गलत व्यवहार नहीं करेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। राज्य जो भी लोक कल्याणकारी संबंधी योजनाएं लाएगा वो सबके लिए सामान्य होगा। ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग कर रहा हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा हो, या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से व्यवहार कर रहा है, उनके खिलाफ किसी भी तरीके के लेकर अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पोषाहार की बातें कही गई थी। हालांकि पहले 14 वर्ष तक था, 6 से 14 वर्ष तक था, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाकर 0 से 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है,
अनुच्छेद नंबर 46 के अंतर्गत बात कर ले मित्र, तो अनुच्छेद नंबर 46 में क्या कहा गया? अनुच्छेद नंबर 46 में सीधे सीधे ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तथा जो एक तरीके से वे अन्य दुर्बल जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, उनको एक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ें आपको थोड़ा से ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आइए अनुच्छेद नंबर 47। अनुच्छेद नंबर 47 बहुत इम्पोर्टेंट है मित्र। ये अनुच्छेद वो है जो धूम्रपान और मदिरा निषेध पर रोक लगाने के बारे में बात करता है, और लगाना भी जाना चाहिए क्योंकि मदिरा कहीं ना कहीं कई परिवारों का न केवल सिर्फ कलह बन जाता है बल्कि मदिरे के सेवन की वजह से न जाने कितने आप देख रहे हैं भारत में एक्सीडेंट के कारण भी बन जाते हैं। तो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं मदिरा पान भी होता है। इसके अलावा धूम्रपान जैसे लत इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिसके वजह से दमा और कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां और हार्ट संबंधी जैसे बीमारियों का तेज़ी से बढ़ावा मिल रहा है, यही अनुच्छेद नंबर 47 का ही कारनामा है। तो इस पर कम से कम, हम कह सकते हैं कि कम से कम इसको ढिलाई देनी चाहिए, इस पर अधिक से अधिक रोक लगाना चाहिए। ये राज्य का दायित्व बनता है अगर समाज में सामाजिक व्यवस्था को कायम करना है। तो अनुच्छेद नंबर 47 में इन धूम्रपान मदिरा निषेध के अलावा अगर हम देखें पोषाहार की बात किया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो कुपोषित लोग हैं इन कुपोषित लोगों को एक अच्छा पोषाहार की व्यवस्था किया जाना चाहिए जिससे कि एक स्वस्थ शरीर का निर्माण हो, और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ का समाज का निर्माण होता है। तो इसके लिए तो पोषाहार की बात तो बनती ही है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद नंबर 48। अनुच्छेद नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन के गठन के बारे में बात किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं मित्र, हमारा भारतीय देश एक कृषि प्रधान देश है, मैक्सिमम लोग आज भी रोजगार के रूप में कृषि में ही लगे हुए हैं। तो ऐसे कृषि प्रधान देश में कृषि को और बढ़ावा देने के लिए हमको एग्रीकल्चर में गुणवत्ता को सुधारना होगा, पशुओं की गुणवत्ता में को सुधार लाना होगा, अच्छे अच्छे वैरायटी के फसल लाने होंगे, गुणवत्ता युक्त लाने होंगे, और अच्छे वैरायटी के हमको पशु भी लाने पड़ेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और इतनी भारी जनसंख्या जो इस पर निर्भर है वो इस पर पूरी तरीके से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ऐसा होना चाहिए मेरा मानना है। ठीक है, मैं अपनी बातों को बहुत से ज़्यादा संक्षेप में ही रखना चाहता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स इसलिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये वीडियो जो है ये टेट और पेट और सुपर टेट और UPSI के लिए, इसलिए ज़्यादातर हम क्वेश्चन वन लाइनर के ही रूप में रखना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी मैंने ये कहा है कि थोड़ी सी सृजनात्मकता बनाने के लिए मुझे थोड़ा से इस पर कॉन्सेप्चुअल भी GS के रूप में 20% चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। क्लियर, अब अनुच्छेद नंबर 48 का में क्या है? अनुच्छेद नंबर 48 का जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बातें कही गई हैं कि पर्यावरण संरक्षण वन जीवों के संवर्धन के संदर्भ में बातें अनुच्छेद नंबर 48 कही है। आज देखिए मित्र, पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये प्रकृति है तभी संस्कृति है, और संस्कृति है तभी हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। तो ये निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण करना केवल किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है बल्कि ये पूरे समाज का दायित्व है कि पर्यावरण को अपने बचाएं। ठीक है, जो भी नदियां हैं, जो भी तालाब हैं उन सबको बचाएं, जो वृक्ष हैं उनको कटने से रोकें और अधिकतम वृक्ष लगाने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे होगा? और स्वस्थ शरीर तभी रहेगा जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, और पर्यावरण तभी स्वच्छ रहेगा जब पर्यावरण के स्वच्छ बनाने वाले कारक रहेंगे, यानी कि नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ये सब। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद नंबर 49 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 49 में हमारे भारतीय स्मारकों एवं धरोहरों की सुरक्षा करने की बात की गई है, संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। ये कहीं ना कहीं हमको कुछ सामाजिक प्रेरणा, सांस्कृतिक प्रेरणा देते रहते हैं जिससे कि हम कुछ सीखते रहते हैं कि हमारे अतीत में
हम कहाँ थे और इस समय कहाँ पे आए हुए हैं, इस बात की प्रेरणा हमको देते हैं। ये न केवल सिर्फ मुझे पर्यटन के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं, बल्कि हमको कुछ और संदेश देते हैं कि हमको अपने टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, मुझे और अच्छा कुछ करना चाहिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें। अनुच्छेद नंबर 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्ति का वितरण किया गया है, उनका पृथक्करण कर दिया गया है, ठीक है, उनके कार्यों को अलग अलग करके एक स्वायत्त निकाय के रूप में बना दिया गया है। ये अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की बात की गई है, और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार की तरह है। ये आपको पता होना चाहिए कि पूरा विश्व एक तरीके के परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे उपनिषद में बहुत पहले से ही कर दी गई थी, और मानवाधिकार की बात जो आज करता है वो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में बात करता है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, ठीक है, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है, हम सब एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड है, इसलिए सभी लोगों को आगे बढ़कर एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए। विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो चाहे अल्प विकसित देश हो, सबको एक मंच पर आकर अपनी भावनाओं को रखना चाहिए, और जिससे जितना ज़्यादा हो सके उससे उतना ही मदद उसका करना चाहिए। इससे न केवल देश में शांति बढ़ेगी, प्रेम चलेगा, बल्कि इससे देश में शांति, प्रेम, भाईचारा, बंधुत्व, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, और हर जगह खुशहाली ही खुशहाली आएगा। जहाँ खुशहाली है वहीं समृद्धि है, ठीक है। तो ये बातें हो गई पूरा नित्य निदेशक तत्व को लेकर, भाग चार इसी के साथ समाप्त होता है। अगला भाग जो इसी भाग चार में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग चार का, जिसे हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। मूल कर्तव्य एक्चुअली में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था मूल कर्तव्य, और ये तब लाया गया था जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात आ गया था। तो राष्ट्रीय आपात को देखते हुए ये व्यक्तियों के मूल कर्तव्यों पर निर्वहन करने के बारे में भी बात किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य लाए गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसमें से इन सारे मूल कर्तव्यों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आइए एक एक मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहले मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो पहले मूल कर्तव्य में संविधान के पालन करने के संदर्भ में बात किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान के बारे में बातें कही गई है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले मूल कर्तव्य में राष्ट्रगीत की बातें नहीं की गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी बातें ये ध्यान में रखना कि जो सारे मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य व्यक्तियों के लिए ना होकर ये राज्य व्यक्ति के नागरिकों के लिए है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरे मूल कर्तव्य में यह बताया गया है कि हर व्यक्ति को जो भारत के आज़ादी के लिए जो हमारे वीर पुरुष थे, जो हमारे महात्मा पुरुष थे, इन लोगों ने जो शब्दों का प्रयोग किया, जो वाक्यों का प्रयोग किया, उन आदर्शों, वाक्यों, उन शब्दों को अपने हृदय में सजो कर रखें, और न केवल सजो के रखें बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियों की उनकी गाथाओं के बारे में सुनाएं, ताकि उनके अंदर एक प्रेम की भावना उपजे और कुछ करने का उनके अंदर एक जोश उत्पन्न हो। ऐसी स्थिति में मूल कर्तव्यों को आपको भी बनाए रखना होगा, ठीक है, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तीसरी बात ये कही गई कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की बात की गई है, उस राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को एवं संप्रभुता को सम्मानपूर्वक उसको बनाए रखने का भी दायित्व है। और चौथी बात ये कही गई है कि अगर देश संकट की स्थिति में किसी से आह्वान करता है अपने नागरिकों से, तो भारत देश की सेवाओं के लिए तुरंत तत्पर हो जाना चाहिए। यह सभी नागरिकों का ये परम कर्तव्य बनता है कि अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। पांचवी बातें जो ये कही गई है, जो हमारे गौरवशाली परंपरा है, रीत है, रवाज है, उनको भी बनाए रखना चाहिए, और उन सारे कुप्रथाओं को त्यागना चाहिए जो महिलाओं के क्या है, विरुद्ध हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उनको भी त्यागना चाहिए। जो छठवीं बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि मुझे अपने जो गौरवशाली संस्कृति हैं, जो विचारधाराएं हैं, उन सारे विचारधाराओं को भी अपने हृदय में सजो को रखना चाहिए। सातवीं बातें जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अनुच्छेद नंबर 48 का में कहा गया है, वही बातें मूल कर्तव्य के सातवें भाग में कहा गया है
कि पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों का संवर्धन करना हर व्यक्ति का क्या है, मूल कर्तव्य। इसका मतलब ये केवल राज्य का कर्तव्य नहीं है, ये आपका भी कर्तव्य बनता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आठवीं बात है, अगर हम देखें अगला जो मूल कर्तव्य ये है कि हर व्यक्ति का नज़रिया जो होना चाहिए वो वैज्ञानिक दृष्टि होना चाहिए, निरंतर उसको अपने अंदर सुधार लाने चाहिए, निरंतर अपने अंदर सुधार लाना चाहिए और ज्ञान अर्जन करना चाहिए और निरंतर सीखने की उसके अंदर एक ललक और एक प्रेरणा होनी चाहिए, जिसके लिए हर व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें एक मूल कर्तव्य में ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने से रोका जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना दायित्व आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप बसें को न जलाएं, आप अनावश्यक रूप से बिजली को न जलाएं, अनावश्यक रूप से आप किसी भी तरीके से वो सारे संपत्ति, जैसे बहुत सारे सुनने को मिलता है कि बिजली के तार काट लिए जाते हैं, रेलवे पटरियां उखाड़ ली जाती हैं, बसों को जला दी जाती है, आप लाइट जला कर छोड़ देते हैं, ये सारी सार्वजनिक संपत्ति तो हैं ज़रूर, लेकिन ये सार्वजनिक संपत्ति क्या है, ये राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र की संपत्ति किसकी संपत्ति है, जनता की संपत्ति है। तो इसमें आपका भी दायित्व बनता है कि इसको आपको संरक्षण करना, यानी कि इसको बनाए रखना, किसी भी प्रकार का इसका क्षति न करना। ठीक है, लास्ट में जो मूल कर्तव्य हुआ आता है मित्रों, लास्ट का जो मूल कर्तव्य ये है कि हर अभिभावक एवं माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उसको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वो पढ़ सके, लिख सके और आगे बढ़ें। ठीक है, ऐसी बातें 11वें मूल कर्तव्य में कही गई हैं। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मूल कर्तव्य की भी समाप्ति होती है। अब आइए हम संविधान के भाग 5 के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है मित्र, अनुच्छेद नंबर भाग 5 में क्या है, संघ है, और संघ की अगर हम बात करें तो संघ अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 है, जिसके अंतर्गत हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद संसद, संसद में हम लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं उसके पीठासीन अधिकारी, महान्यायवादी और सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देखेंगे। तो आइए अब एक एक करके चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले आइए हम देखते हैं भाग 5 का राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति के बारे में हम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। देखिए, अनुच्छेद नंबर 52 में ये कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो कभी खाली नहीं होगा, राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, ऐसा अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है। अनुच्छेद नंबर 53 में ये कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, यानी कि जितने भी कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक, कार्यपालिका की समस्त शक्ति कहाँ निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बात कहा गया है, यानी कि निर्वाचन मंडल के संदर्भ में बातें कही गई हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से ये बताया गया है कि राष्ट्रपति में संसद के कुल निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस जो केंद्र के दो राज्य हैं, केंद्र के दो राज्य का मतलब अगर हम बात करें तो इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। क्लियर, इसका मतलब कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो भाग कौन नहीं लेंगे, तो भाग विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 55 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धतियाँ, कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होती है, विधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है। तो ध्यान में रखना मित्र, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए एक अलग से वीडियो कभी हम बनाएंगे, और ये एक सिविल के से रिलेटेड है। आपको लिए बस इतना ही जानना है कि जो राष्ट्रपति का
निर्वाचन है वह आनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बातें की गई हैं। राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बातें करने का मतलब कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पदावधि इतनी होती है। अनुच्छेद नंबर 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संदर्भ में बात किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में भारत का संविधान मौन है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात कर लें तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसके बारे में कोई संविधान में लिखित तरीके से प्रावधान नहीं किया गया, ये आपको जानना है। अनुच्छेद नंबर 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता ये होनी चाहिए कि राष्ट्रपति जो हमारा देश का राष्ट्र प्रमुख होता है वह वास्तविक प्रधान भी होता है। इसके बनने के लिए अर्हता ये होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, और जबकि शर्तें में ये कहा गया है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति बनने के लिए ये भी चीज़ें कि कम से कम लोकसभा के 50 और राज्यसभा के भी 50 यानी 50-50 सदस्य जो होने चाहिए वो प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद के रूप में चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति पद पर लड़ने के लिए 15,000 रुपये RBI बैंक में जमा करना होता है। अगर कुल वोटिंग का 6% से अधिक वोट आ जाता है, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति जीत भी नहीं पाता है तब भी उसके पैसे वापसी हो जाते हैं, लेकिन अगर 6% से कम कुल वोटों से वो कम पाता है तो उसके 15,000 रुपये भी जब्त कर लिए जाते हैं RBI बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रदान किया गया है, जो अनुसूची नंबर 3 में बातें कही गई हैं। इसके अंतर्गत आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि राष्ट्रपति को जो शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कोई नामित व्यक्ति भी करवा सकता है, वह सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भी हो सकता है। क्लियर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 61। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 61 के संदर्भ में अगर हम देख लें मित्र, तो अनुच्छेद नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर तभी चलाई जाती है जब वो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है। ऐसे स्थिति पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन के द्वारा का मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन के द्वारा अगर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लाई जाती है तो इसके लिए उसको पहले 14 दिन की सूचना भी देनी होती है, और दूसरी चीज़ जितना उसका कुल सदस्य होता है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। क्लियर। और दूसरे स्टेप में ये कहा गया है कि 1/4 हस्ताक्षर करने के बाद उसी सदन के द्वारा उसके अपने कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से स्वीकृति भी प्रदान करनी होगी, और ये स्वीकृति प्रदान करके दूसरे सदन में भेज देता है। यदि दूसरा सदन भी अपने कुल 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर देता है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। हाँ, राष्ट्रपति के 14 दिन के समयों के अंदर वो चाहे तो अपनी बचाव कर सकता है, बचाव करने के लिए या तो स्वयं पहल कर सकता है या किसी कानून के जानकार से सलाह भी ले सकता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। हालांकि अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाना दूर की बात है, अभी महाभियोग प्रक्रिया लाया भी नहीं गया है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अनुच्छेद नंबर 62 में क्या कहा गया, अनुच्छेद नंबर 62 में राष्ट्रपति के अनुपस्थिति के बारे में बात कहा गया। देखिए मित्र, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है तो अनुपस्थिति की स्थिति में या तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो जा रहा है तो उसके जगह पे जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो उसके पद पर कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रपति का पद अगर उसके कार्यकाल से पहले ही अगर उसके बीच में मृत हो जाती या त्यागपत्र दे देता है
या स्वेच्छा से वो त्याग पत्र दे देता है या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने में 2-3 महीने बाकी है तो ऐसे स्थिति में, यानी कि 6 महीने अगर बाकी है तो कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर 6 महीने यानी 2 साल हो गए तो राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति किसी को नहीं बनाया जा सकता है, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम से अधिकतम 6 माह तक ही हो सकते हैं। और अब तक भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं और इन 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में अगर हम बात कर लें तो इसमें अगर देखेंगे तो बीबी गिरी का नाम आता है, इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी का नाम आता है और फखरू अली अहमद का भी नाम आता है, फखरू अली अहमद के नाम आता है। और इसमें अगर आप एक देख लेंगे तो बीबी गिरी फखरू अली अहमद का नाम इसमें आता है। डॉक्टर राधा कृष्णन भी एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है। तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं और 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और फखरू अली अहमद थे जो जिनके कार्यकाल दौरान में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो कार्यवाहक के रूप में जाकिर हुसैन और बीबी गिरी और फखरू अली अहमद थे और जिनकी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी वो जाकिर हुसैन और फखरू अली अहमद थे जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो जाकिर हुसैन और फखरू अली अहमद और कार्यवाहक के रूप में जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और फखरू अली अहमद, ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर हम बात कर लें मित्र, तो कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। जैसे नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपने सुना होगा, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये निर्विरोध रूप से चुने गए थे, यानी कि इनके अलावा कोई और इनके विपक्षी के रूप में नहीं खड़ा हुआ था, निर्विरोध रूप से चुने गए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, और एक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष भी ये बने हुए थे। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो बीबी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़े हुए थे, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके जीतने के बाद इनकी द्वितीय चक्र में मतगणना हुई थी, यानी कि दोबारा वोटिंग करवाया गया था बीबी गिरी के लिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के संदर्भ में। और क्रम से लेकर, यानी कि पहले से लेकर लास्ट तक क्रम तक राष्ट्रपतियों का क्रम आप बताने का प्रयास करिएगा, ये आपके कमेंट के रूप में है या ये आपके लिए एक होमवर्क के रूप में है, इस पर आप अपना करिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि अब तक भारत में 4 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके समय वीटो पावर लाया गया था, और ये वीटो पावर अनुच्छेद नंबर 111 के तहत लागू होता है। वो 4 राष्ट्रपति वो थे जिनके समय वीटो पावर लाया गया था, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक ज्ञानी जयसिंह थे, वेंकट रमन है और अब्दुल कलाम जी थे। ये 4 वो राष्ट्रपति हैं जिनके द्वारा वीटो पावर लाया गया था, ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। पॉकेट विकेट ज्ञानी जयसिंह के द्वारा लाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए 1986 में डाक के समय, क्लियर। तो कुछ राष्ट्रपति के संदर्भ में ये आपने जो 1-2 वन लाइनर के रूप में देखा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में चलते हैं। तो उपराष्ट्रपति संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, फिर भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अनुच्छेद नंबर 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद नंबर 64 में ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक पदेन सभापति होता है। आपको एक बात मैं बता दूं मित्र, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है ये पदेन सभापति के रूप में होता है, और ये उपराष्ट्रपति पद के होने के नाते पैसा नहीं पाता है, बल्कि ये इसको जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होने के नाते इसको वेतन मिलता है, यानी कि जितना राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन होता है उतना ही उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। इसका मतलब ये कि व्यक्ति एक ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि उपराष्ट्रपति का हमेशा वेतन किसके आधार पर मिलता है, राज्यसभा के अध्यक्ष होने के नाते मिलता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 89 में किया गया है, और उसके वेतन के बारे में बात अनुच्छेद नंबर
97 में किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक राष्ट्रपति के रूप में एक चीज़ और मिस हो रहा था, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के खाली होने पर अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, यानी कि 6 माह से अधिक न बीतने पाए तभी राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 71 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए मित्र, अनुच्छेद नंबर 71 में ये कहा गया है कि चुनाव संबंधी यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित कोई मैटर आ जाए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति